जनपद जालौन के उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर लापरवाही सामने आई, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से समय से उपचार न मिलने पर महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में महिला के परिजन जब महिला को कानपुर ले जा रहे थे, तभी महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी मिलने पर उरई सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा परिजनों से मिलने पहुँचे, जहां पर परिजनों ने पूरा वाक्या विधायक को सुनाया, जिस पर सदर विधायक ने परिजनों को आश्वासन दिया कि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। क्या नाम है आप? हमारा संकल्प हरी है। क्या हुआ था आपके द्वारा? क्या नाम है माता जी? माता जी का नाम किरण गुप्ता है। क्या हुआ था? 13 तारीख को सुबह माता जी को दर्द हुआ, जी घबरा रहा था, तो मेडिकल कॉलेज ले गए सीधा यहाँ से सुबह 8 बजे। वहाँ पहुँचे तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं, जैसे तैसे बार बार कहने पे उनने देखा, तो उसके बाद कुछ उनने ECG की कुछ ड्रिप लगाई, उसके बाद उनसे पूछा क्या हुआ तो उनने कुछ नहीं बताया, बोले डॉक्टर आएंगे बताएंगे, डॉक्टर आएंगे बताएंगे, डॉक्टर कोई आया नहीं। वहाँ पे 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद कोई इलाज नहीं हुआ, सिर्फ वो ड्रिप चढ़ाते रहे, किसी ने देखा नहीं, कोई मेन डॉक्टर आया नहीं। बार बार उनसे कहते रहे डॉक्टर को बुला दो, कह रहे थे आ रहे आ रहे आ रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद हम वहां से फिर लेके निकले उन्हें, आनंद फानन में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो हमने यहाँ पे डॉक्टर संजय को दिखाया, डॉक्टर संजय से हम सीधा कानपुर गए और कानपुर में ही वो खत्म हो। यहाँ पे मेडिकल में कोई डॉक्टर मौजूद थे? कोई मेन डॉक्टर मौजूद नहीं था, लड़के थे उनसे ज्यादा बोल रहे थे, तो वो लड़ने लगे और उन्हें गार्ड को बुलाया, कहने लगे इन्हें बाहर निकालो, हमारे साथ वालों को इन्हें बाहर निकालो, मतलब कुछ नहीं बताया उन्होंने, क्या हुआ ये तक नहीं बताया। कितने बजे की बात रही? ये सुबह 8 बजे की। तो अच्छा, ये कौन कौन गया था उनके साथ? माता जी के साथ, माता पापा थे, हम थे, अब एक हमारा मित्र है छोटे, वो MR है, थोड़ा जानता है दवाई में, तो पूछ रहा था क्या हुआ, तो उससे कहने लगे तुम डॉक्टर हो, उसे कुछ नहीं बताया, हम लोगों का रिपोर्ट दे दो, हम रिपोर्ट किसी को दिखा देना, उन्होंने रिपोर्ट दी ना कुछ बताया, लास्ट तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले आप अपने मरीज को ले जाओ, बोले आप रेफर करा लो और हम कागज दे देंगे। क्या नाम है आपको? प्रियकरण पहाड़िया। क्या हुआ था? क्या हो गया? मतलब मेरी पत्नी बीमार हुई, मैं मेडिकल गया, वहाँ पे कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई, मतलब कोई वहाँ पे वो नहीं है, तो डॉक्टरों से बोला तो वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए, मेरे साथ में वो था छोटे MR, तो उससे लड़ने को तैयार हो गए, वो कह रहे थे तुम हट जाओ यहाँ से। पत्नी को हुआ क्या था? दर्द हो रहा था सीने में। अच्छा, 13 तारीख की, 13 तारीख की सुबह वही 8 बजे। फिर यहाँ से आप कहाँ गए उनके लिए? फिर हम संजय के गए, संजय का थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद झांसी रेफर कर दिया कानपुर। एक मामला सामने आया है मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के मामले में, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई करने की आपने सुहास रखी? मेरी विधानसभा का मोहल्ला तुलसी नगर में हमारे समाज सेवी श्री हसन पहाड़िया जी की पत्नी का देहांत 13 तारीख को शाम को हुआ, मुझे जानकारी लगी, मैं सुबह उनके घर पे पहुंचा तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ा सीने में दर्द हुआ और वो राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के लेके गए, लेकिन वहाँ उरई में राजकीय मेडिकल में जाके जब देखा उन्होंने, तो वहाँ उनकी पत्नी का ढंग से इलाज नहीं किया गया, कोई बड़ा डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने एक बोतल लगाई और कुछ ECG जाँच की, और जब CSN पारिया ने उस ECG जाँच की रिपोर्ट मांगी कि मैं किसी अपने रिश्तेदार को या किसी बड़े डॉक्टर को मैं दिखा दूँ या तो बड़ा डॉक्टर बुला दो, तो उन्होंने ना तो कोई बड़ा डॉक्टर बुलाया और उनको रेफर कर दिया, तो बेचारे वो फिर भागते हुए कानपुर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला इतना बिगड़ चुका था क्योंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज की लगातार लापरवाही कारण कई इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं जब उनके घर पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, मैंने उनको नाज बनाया और कहा कि आप चिंता मत करो, इसकी निश्चित जाँच होगी और आपके साथ जो हुआ है और अन्य किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं ऊपर अधिकारियों से बात करूँगा।